नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक जामशाला के YouTube चैनल पर। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर के MCQ। देखिए, जो बीच के करंट अफेयर MCQ आपके छूट गए हैं तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, यानी वीकली में या फिर संडे के दिन, तो आपका कुछ भी मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के MCQ। और आज के MCQ हम लोग डिस्कस करते हैं, तो आज कोई इम्पॉर्टेंट डेज तो है नहीं, तो सीधे हम लोग डिस्कस करते हैं यानी आज के MCQ के से। तो पहला MCQ आपसे ये पूछा है कि अभी हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में अभी हाल ही में 120 मिलियन डॉलर का एक MOU साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट किसके लिए होगा कि मेघालय में इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चलाया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि अभी हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने ऐसा MOU साइन किया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 120 मिलियन डॉलर का यहाँ पर एक लोन साइन किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 120 मिलियन डॉलर का वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पर भी क्या किया गया, एक लोन साइन किया गया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करें, यानी जब कभी भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके साथ में जब कभी भी स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी लोन टाई अप होता है या फिर MOU होता है उसके लिए, तो उसमें गारंटर के तौर पर होता है कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चीज़ आप लोग याद रखेगा, हमेशा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ पर कोई भी प्रोजेक्ट अगर चलाया जाएगा तो उसमें गारंटर के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक पोर्शन अगर हम बात कर लें तो मेघालय में के आपको CM याद होने चाहिए। CM कौन है? केनराट संगमा। और वहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे क्या पूछा है कि किस बैंक ने भी हाल ही में इंडिया का पहला कार्डलेस EMI फैसिलिटी शुरू किया है, यानी EMI फैसिलिटीज होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर EMI का फुल फॉर्म बताइए, तो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। अब EMI की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो EMI कार्डलेस, यानी अब इससे पहले आपने सुना होगा कि डेबिट कार्ड पर EMI जा रही, क्रेडिट कार्ड पर EMI जा रही, लेकिन यहाँ पर ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में ये कार्डलेस EMI फैसिलिटी शुरू की है? तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ये शुरू किया है किसने? ICICI बैंक ने। ICICI बैंक यानी अभी इसने अभी हाल ही में कार्डलेस फैसिलिटी शुरू की है, और इसने अभी हाल ही में टाइप किया है किसके साथ? पाइन लैब्स के साथ, जो ऑफर कर रही है पैन इंडिया पर एक कार्डलेस फैसिलिटीज, जो कि एक रिटेलर्स को प्रोवाइड की जाएगी जो पाइन लैब से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से डिजिटल प्रोसेस है, है ना, डिजिटली रूप से आपको यहाँ पर कोई कार्ड नहीं दिया जाएगा, एक नंबर एलोकेट होगा, उस तरीके से यहाँ पर आपको एक EMI फैसिलिटी दे दी जाएगी अगर आपका ICICI बैंक में अकाउंट है तो। ICICI बैंक के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात कर लें, अगर इसकी टैगलाइन आप जानते होंगे, टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है क्या? ख्याल आपका। ठीक है, ICICI बैंक के यानी चेयरमैन कौन है? तो आप जानते होंगे गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हैं ICICI बैंक के चेयरमैन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट किराना स्टार्ट किया है, किसके साथ में? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट के साथ में। ठीक है, तो किस कंपनी ने अभी हाल ही में प्रोजेक्ट किराना स्टार्ट किया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मास्टर कार्ड। अब ये प्रोजेक्ट किराना है क्या? तो देखिए, जो हमारा मास्टर कार्ड और USAID है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने भी हाल ही में कोलैबोरेट किया है कि हम लोग क्या करेंगे, एक VGDP लॉन्च करेंगे। VGDP का मतलब है वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव्स। ये प्रोजेक्ट किराना लॉन्च किया है, और ये प्रोजेक्ट किराना आप देखोगे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से यहाँ पर लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में यानी लखनऊ हो गया और कानपुर हो गया, तो यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेक्ट किराना स्टार्ट हुआ है। प्रोजेक्ट किराना में क्या है, यानी जो किराना शॉप होती है अपना किराना शॉप, इनमें जो वुमेन ओनरशिप है, ठीक है, वुमेन ओनरशिप है जिनकी, तो वुमेन ओनरशिप को क्या, यानी यहाँ पर फाइनेंशियली पूरी तरीके से क्या करना, लिटरेट करना, साथ साथ में उनको डिजिटली कैसे एक्सेस किया जाए, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, तो इसके बारे में वुमेन को इंटरप्राइज मतलब एम्पावर करना और साथ साथ में उनके एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करना, इसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट किराना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किसने भी हाल ही में कॉन्फ्रेंट किया है क्या, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, कॉन्फर किया है वातैन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये क्या करेगा, ये अवार्ड जो है एक तरीके से जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे उनके उनका जो अभी हाल ही में शिक्षा के जगत में एक तरीके से यहाँ पर काम है, पोएट्री के क्षेत्र में उनका काम है, तो इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो एजुकेशन और पोएट्री के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए रमेश पोखरियाल जी को दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि G20 की सबमिट्स, अभी हाल ही में जो 15 सबमिट चल रही है उसका थीम क्या है, तो थीम में आपको याद रखना है, थीम है इसका रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ 21st सेंचुरी ऑफ फॉर ऑल। ठीक है, तो ये इसका थीम है, ये चीज़ याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं G20 के बारे में। देखिए इस बार का G20 समिट है वो पूरी तरीके से वर्चुअली हो रहा है। अब वर्चुअली क्यों हो रहा है तो आप जानते हैं, इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि COVID-19 चल रहा है और इसको होस्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखना है आपको कि सऊदी अरब इसको क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। G20 यानी G20 है क्या, तो G20 एक डेवलपिंग और डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं उनका एक ग्रुप है और जो मिलकर आपस में काम करते हैं। तो इनका इस बार का जो थीम था, यानी जो COVID-19 है, COVID-19 पर जो पेंडेमिक इस समय चल रहा है उसको किस तरीके से यहाँ पर उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और हमारी जो अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसको कितनी तरीके से अडॉप्ट किया जाए, इस पर बातचीत हुई है। ठीक है, तो इसको इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने फ्लैग किया है फ्लैग मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा, तो ऐसा लॉन्च किया है, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश ने भी हाल ही में आप देखोगे, यानी जो एक तरीके से कंप्लीट मोबाइल एक मोबाइल मेडिकल यूनिट है, जिसमें क्या होगा, यानी आप पूरी तरीके से जो भी रूरल एरिया में रह रहे लोग हैं वो एक्सेस कर पाएंगे मेडिकल फैसिलिटीज़ को। ठीक है, और ये क्या होगा, एक तरीके से जो एक मोबाइल यूनिट है, तो जगह जगह पर जाकर ये जो एक कैब होगी वो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करेगी। और इसका नाम क्या रखा गया है, मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से शिमला में प्रोजेक्ट चलाया गया। थोड़ा सा हम लोग स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं, तो हिमाचल प्रदेश आप जानते होंगे सीएम कौन है, यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर है ना, और यहाँ के जो गवर्नर है कौन है, बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने भी हाल ही में लॉन्च किया है वात्सल्य समर्थ योजना। ठीक है, वात्सल्य समर्थ योजना भी हाल ही में किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर लॉन्च किया है, यानी आप याद रखा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने भी हाल ही में वात्सल्य समर्थ योजना लॉन्च की। तो वात्सल्य समर्थ योजना किस लिए है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, जो भी चाइल्ड है वो चाइल्ड पूरी तरीके से जिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है और उनको यहाँ पर फूड और ये सारी चीज़ें बेसिक जो नीड्स हैं वो नहीं मिल पा रही, तो इसके लिए यहाँ पर जो राजस्थान गवर्नमेंट है वहाँ के जो सीएम है अशोक गहलोत ने, उन्होंने वात्सल्य योजना और हाल ही में समर्थ योजना लॉन्च किया है, जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी झेल रहे बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशन और साथ साथ में यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट को प्रोवाइड की जाए, जिससे वो अपने आप को यहाँ पर डेवलप कर सकें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट और या फिर यूनियन टेरिटरी ने अभी हाल ही में साइन किया है एक एमओयू किसके लिए साइन किया है, यूनिसेफ के साथ यहाँ पर युवा प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसका अभी हाल ही में आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने भी हाल ही में लॉन्च किया है क्या एक तरीके से युवा प्रोग्राम, ये क्या है, एक जॉब पोर्टल है जो रोजगार बाजार को प्रोवाइड करता है, यानी जॉब पोर्टल में इसमें क्या होगा, जो जॉब सीकर हैं और साथ साथ में जो जॉब डोनर हैं वो यहाँ पर इस पोर्टल में जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और इससे लोगों को क्या मिलेगा, जो यूथ हैं वहाँ पर उन्हें एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर यूनिसेफ का एक युवा प्रोग्राम चालू किया गया। आपको यहाँ पर एक होमवर्क दे रहे हैं, फटाफट बताइए यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, कुछ काम आप भी करिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है यूनिसेफ का, फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में एक फाउंडेशन स्टोन लॉन्च किया है
रूरल ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स के लिए, ये यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य में लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में जो हर घर जल स्कीम चलाई जा रही थी केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसमें लगभग 2.6 करोड़ फैमिलीज को यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध हो सके उनके घरों में, इसके लिए यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। ठीक है, तो एक अभी आधारशिला रखी गई, ऐसा नहीं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, तो सिर्फ आधारशिला रखी गई। और यहाँ पर ये देखोगे यानी जो यूपी का ईस्टर्न इलाका है उत्तर प्रदेश का, यानी जिसे आप यहाँ पर देखोगे मिर्ज़ापुर, ठीक है, वो मिर्ज़ापुर नहीं जो आप यहाँ पर वेब सीरीज़ में देख रहे हैं वो नहीं, यहाँ पर मिर्ज़ापुर के बारे में बात करें, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सोनभद्र है, वाराणसी है, तो यहाँ पर लगभग 2.6 करोड़ जो परिवार हैं उनको घरों में रूरल एरियाज में पानी मिल सके, इसके लिए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। आपको यहाँ पर याद रखना है हर घर जल स्कीम, हर घर जल स्कीम्स का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है 2024 तक यहाँ पर हर घर में पानी उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसा यहाँ पर केंद्र सरकार का टारगेट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में जो हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनको अभी हाल ही में एक एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है, कहाँ का एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। अब इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, यहां पर देखिए जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन से रिलेटेड, जैसे आप देखो यहाँ पर WHO हो गया, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर हमारी जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, वहाँ पर आप देखोगे ये क्या करेंगे, एज ए मेंबर चुने गए। ठीक है, तो इनका एक इलेक्शंस होता है, वो इलेक्शंस के दौरान यहाँ पर इन्हें एज ए इलेक्टेड किया गया है। ठीक है, तो इस बार का यानी 284वां सेशन था और ये एक वर्चुअल मीटिंग में उनको क्या किया गया, इलेक्ट किया गया है। याद रखना है आपको कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हमारे इस समय नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं यानी कैग हैं। ठीक है, तो इनको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन सेलेक्ट किया गया है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी जब भी कोई बात होगी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में तो इंडिया की तरफ से यहाँ पर ये बात रखेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर की तरीके से। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।